ये है एक रियल मैंगो आइसक्रीम जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। तो इसकी तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का DTWS ब्लॉग्स पर। तो जैसा कि किचन में है तो कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मैंगो आइसक्रीम। तो कैसे बनाएंगे, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में और का ऑप्शन आता है उसे याद से दबाइएगा, जिससे नई नई और हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। तो आइए इंग्रेडिएंट बताती हूँ आपको। जैसा कि मैंगो आइसक्रीम बनानी है तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मैंगो। ये मैंने मैंगो लिए हैं, ये है मिल्क पाउडर, ये कंडेंस मिल्क है, स्वीटनेस के लिए मैं चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ, और ये है टूटी फ्रूटी कलर्ड में, जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टी कलर टूटी फ्रूटी है, तो ये हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपने आम को हम पील कर लेते हैं और गूदा निकाल लेते हैं। ये दो आम के स्लाइसेस इस तरह से मैंने अपने निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे इनका छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं, जस्ट लाइक फॉर चंक्स, तो इस तरह से काट लूंगी। बाकी आम को मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये आम का गूदा भी हमने निकाल लिया है, और साथ ही साथ जो ये आम की फांके हमने निकाली थी इसके हम चॉपिंग बोर्ड पे इसको हम छोटा छोटा क्यूब्स इसके निकाल ले रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स निकाल ले रहे हैं, जो कि आम की कुल्फी में, जैसे कि आइसक्रीम बना रहे हैं हम, नॉट कुल्फी, आइसक्रीम के अंदर बहुत अच्छा स्वाद देते हैं, छोटे 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 चंक्स आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। आम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेदा, मालदा, या फिर केसर, या फिर आजकल तो लंगड़ा भी आ रहा है। वैरायटी आम की आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, कुल्फी आप बनाइए बस। तो चलिए अब इसके अंदर हम डालते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालेंगे, ये मैं बड़ी चम्मच यूज कर रही हूं, तो 3 चम्मच बड़ी मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल रही हूं। अपने कंडेंस मिल्क को भी खोल लेते हैं हम। तो डालते हैं कंडेंस मिल्क, अंदाजे से हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, स्वीटनेस के लिए आम की मिठास है, मिल्क पाउडर के अंदर भी मिठास है, तो कंडेंस मिल्क हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे। अब डालते हैं ये थोड़ा सा मिल्क हमारा, जो डेली उसमें हम यूज करते हैं, मिल्क पाउडर नहीं, मिल्क। तो चलिए अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, जितना बारीक पेस्ट बना सकते हैं उतना बारीक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है इसका। अब हमने ले लिया है ये केक टिन, आप चाहें तो आइसक्रीम के लिए जो सांचे आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता और इसमें जल्दी से जम जाती है, प्लास्टिक बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए उसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हम। तो ये हम पहले थोड़ी सी इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इसी डाली हमने। अब हम डालेंगे ये मैंगो के चंक्स इसके अंदर थोड़े थोड़े, इस तरह से हम लेयरिंग करेंगे। डालेंगे चॉको चिप्स, सॉरी टूटी फ्रूटी, नॉट चॉको चिप्स, चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट का तो कॉम्बिनेशन मैंगो के साथ वैसे भी बहुत अच्छा है, तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर से डालेंगे हम, अब थोड़ी एक मोटी लेयर डालेंगे हम, अगेन इसको हम टैप करेंगे, ये मैंगो डालेंगे अपने। मैंगो की आइसक्रीम में मैंगो चंक्स अच्छे लगते हैं, तो ये सारे मैंगो अब हम इसमें डाल देंगे। एक बार हम टैप करेंगे,
फिर डालेंगे अपना बचा हुआ मैंगो का पल्प। अब बारी है इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालने की। टूटी फ्रूटी क्योंकि बच्चों को सभी को पसंद होती है। बहुत जल्दी आपके साथ मैं टूटी फ्रूटी की रेसिपी भी शेयर करूंगी कैसे बनानी है घर में। तो हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे अच्छे से। ये कुछ मेरे पास ग्रीन कलर की भी टूटी फ्रूटी पड़ी है तो ये भी हम डाल देते हैं। थोड़ी अच्छी सी लग रही है कलरफुल आइसक्रीम हमारी। बच्चों को तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं तो ये हम डाल देते हैं। और अब इसको कवर करके हम रख देते हैं जमने के लिए। तो आइसक्रीम को जमाने के लिए कि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलोफेन पेपर का। अपने टाइटली इसको हम इससे चिपका देंगे कुछ इस तरह से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम कैंची से या चाकू की सहायता से काट देंगे। अच्छे से टाइटली इसको हम कर देंगे और टैप करके इसको हम फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। 24 hours later. तो चलिए वापस आ गए हैं हम लोग। हमने आइसक्रीम जमने रखी थी आप लोगों के सामने। टाइम लगता है तो चलिए अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा आइसक्रीम का प्रोसेस। तो चलिए तो ये आइसक्रीम हमने निकाल ली है फ्रीजर से। तो चलिए अब पर्दा नशी को बेपर्दा करते हैं और देखते हैं हमारी आइसक्रीम कहाँ तक पहुंची। ये जम चुकी है अच्छे से। टूटी फ्रूटी है तो वो तो वैसे भी जमनी नहीं है। तो चलिए स्कूप निकालते हैं हम। वन स्कूप ये टू स्कूप। तो लीजिए फिर पेश है खिदमत आप सभी के लिए रियल मैंगो आइसक्रीम। तो बनाइए खाइए और एंजॉय कीजिए। बताइए स्वाद कैसा लगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी ने देखा मैंने इसके अंदर ना किसी कलर का यूज किया ना मैंने शुगर का यूज किया है। इसके अंदर मिठास के लिए मैंने कंडेंस मिल्क का यूज किया है और इसको एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए मिल्क पाउडर का यूज किया और थोड़े से मिल्क का यूज किया। इसके अलावा मैंने किसी भी चीज का ऐसा यूज नहीं किया और रियल मैंगो यूज किया गया है इसके अंदर। तो चीज अपने आप में बेहतर बन जाती है तो बेहतर बनाने को बेहतर को और बेहतर बनाने की कोशिश हमारी रहती है। तो इसी तरह आप भी ट्राई करते रहें बनाते रहें और मुझे जरूर बताइएगा स्वाद कैसा लगा। बाकी इस स्वाद की टेस्टिंग तो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगी। आइए आइसक्रीम है तो ठंडी तो होगी होगी। मैंगो के जो चंक्स आ रहे हैं वो सोने पे सुहागा और जो हमने टूटी फ्रूटी का यूज किया है वो तो अल्टीमेट स्वाद दे ही रहा है और ऊपर से अगर काजू आ जाए तो चेरी ऑन टॉप। मजा आ जाता है बनाने में और खाने में। तो मैं लेती हूँ बना बना के खाने का मजा। तो आप भी बनाइए खाइए और इंजॉय कीजिए। बताइएगा जरूर स्वाद कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हैं या विजिट किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें ज्यादा ज्यादा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है उसे याद से दबाइएगा जिससे नए नए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तब तक के लिए बाय बाय। Don't you get alive and leave the play behind.